इन स्टीरियोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रोजेक्शन फार्मूलाज. सो द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्शन फार्मूलाज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री दोज आर द वेज डैश फार्मूला, देन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला एंड न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला. अगर आप अभी देखेंगे तो ये चार प्रोजेक्शन फार्मूलाज है, लेकिन ये चारों प्रोजेक्शन फार्मूलाज एक सिंगल मॉलिक्यूल के हैं. सो व्हाट इज प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन फार्मूला? व्हेन थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज व्यू फ्रॉम एन डिफरेंट एंगल, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन फार्मूला. किसी भी थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को जब हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिफरेंट एंगल से व्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन फार्मूलाज. सो फिशर ने मॉलिक्यूल को डिफरेंट एंगल से देखा, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, दैट इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सॉर्स ने किसी और एंगल से देखा, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला. एंड न्यूमन ने किसी और एंगल से देखा, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हाउ कैन वी कन्वर्ट वन प्रोजेक्शन फार्मूला टू अनदर प्रोजेक्शन फार्मूला. हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड एजुकेटर विशाल नाइक, वेलकम टू माई चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज द इंटर कन्वर्जन. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अवर टूडेज टॉपिक, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फार्मूला इन टू फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. सो बहुत ही ईजी रहता है, अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आप 2 मिनट्स में भी किसी भी प्रोजेक्शन फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे प्रोजेक्शन फार्मूला में. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. इन दिस OH इज प्रेजेंट ऑन वेज लाइन, मीन्स इट इज इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर. ये OH है, ये मेरे सामने है. This hydrogen is present on dash line. Okay, so it means it is behind the observer. अभी मेरे behind अगर आप है तो ये hydrogen आपके सामने होगा. Then this CH3 is above the plane and this Cl is below the plane. So how can we convert this into a Fischer projection? So we have to observe the molecule from the side of wedge and dash lines. हमको क्या करना होता है अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करना है? सो हमको ये मॉलिक्यूल वेज और डैश लाइन के बीच से ऑब्जर्व करना होता है. अगर मैं इस मॉलिक्यूल को OH और H के बीच में से अगर ऑब्जर्व करूंगा, सो ये कैसे दिखेगा? OH जो है ये मेरे इस हैंड पे आ जाएगा, हाइड्रोजन है ये मेरे इस हैंड पे आ जाएगा, लेकिन ये दोनों मेरे सामने आ जाएंगे. ओके, देन CH3 मेरे सिर के ऊपर होगा और Cl नीचे होगा. ओके, सो ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा? ओके, सो C इधर रहेगा, कार्बन. ओके, काइरल कार्बन. देन OH जो मेरे सामने वो अभी क्या होगा, ऐसे आ जाएगा, बिकॉज ये मेरे सामने, सो आई हैव टू रिटर्न इट लाइक दिस वन, दैट इज OH. ओके, ये हाइड्रोजन जो आपके सामने था ये भी अभी मेरे सामने ही आ जाएगा अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करता हूं. यहां से आपको ये मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना है. ओके, सो इट लुक लाइक्स H. ओके, ये CH3 क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा, और ये Cl भी क्या होगा, ये पीछे जाएगा. मींस इन अ शॉर्टर वे वी से दैट व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू अ फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में ये दोनों है ये हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखेंगे, और ये CH3 है और ये Cl है ये हमको वर्टिकल लाइन में देखेंगे. तो फिशर प्रोजेक्शन में ये मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? दैट इज अ C. So this is an hydrogen and this is an OH and this is an CH3 and this one, that is a Cl. Okay, so बहुत ही simple है. When we have to convert wedge dash formula into Fischer projection formula, we have to observe the molecule from the side of wedge and dash line. हमको ये दोनों line के बीच से ये molecule observe करना होता है. अगर ये observe करेंगे तो OH और H observer के सामने आएंगे, so it can be written as these wedge lines. Okay, CH3 और Cl पीछे जाएंगे, so it can be written on dotted line. Okay, और ये जो line है इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन हो जाएगी वर्टिकल लाइन. अगर और भी इजी करना चाहते हैं आप, तो सोचिए ये CH3 ये ऊपर है, ये Cl आएगा नीचे, सो CH3 ऊपर आएगा, Cl नीचे आएगा. OH ऑब्जर्वर के सामने, अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो ऑटोमेटिकली वी से दैट दिस OH बिकम्स ऑन दिस साइड, सो मैंने यहां लिख लिया. देन हाइड्रोजन बिकम्स ऑन दिस साइड. सो बहुत ही इजी है वेज डैश इनटू एन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो चलिए अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं. सो दिस वन इज एन नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर हम पहले का रूल फॉलो करेंगे, दैट इज व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट वेज डैश फॉर्मूला इनटू एन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो हमको ऑलवेज मॉलिक्यूल कहां से ऑब्जर्व करना होता है, दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ वेज एंड डैश लाइन्स. ओके, बट यहां वेज और डैश लाइन ऊपर है, यहां वेज लाइन डैश नीचे है, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस मॉलिक्यूल? तो यहां एक और रूल है, ये रूल हमेशा याद रखिए. अगर टर्मिनल ग्रुप्स अपोजिट साइड पे है, मींस वी से दैट दीज आर दी स्टैगर्ड इन फॉर्म, तो उसका फिशर प्रोजेक्शन कभी बनता नहीं है. वी हैव टू रोटेट दिस बॉन्ड एंड
by rotating this bond, we have to make these two sides, that is the wedge end dash line and this side wedge end dash line, on the same side. Or we say that terminal groups हमेशा सेम साइड पे ही होने चाहिए, तभी हम किसी भी मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं. सो वी हैव टू रोटेट दिस सिंगल बॉन्ड टू मेक दिस CH3 ऑन सेम साइड. तो अगर हम ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इधर भी ट्रिक है. सो दिस पार्ट बिकम्स ऑन सेम साइड. ओके, सो यहां आ जाएगा ये CH3, ये CH3 आ जाएगा यहां. ओके, ये पार्ट सेम ही रहेगा NH2, और ये हाइड्रोजन भी सेम ही रहेगा. अगर हम ये कार्बन रोटेट करते हैं तो क्या होगा. सो सिंपल रूल से, ट्रिक से आप याद रखिए, अगर ये CH3 हम इस साइड पे लाएंगे तो ये हाइड्रोजन जो अभी वेज लाइन पे, ये जाएगा डैश लाइन पे, और Cl जो डैश लाइन पे है वो आ जाएगा वेज लाइन पे. तो ये भी रूल आप हमेशा याद रखिए, व्हेन वी रोटेट दिस बॉन्ड दिस टू ग्रुप्स आर इंटरचेंज इट्स पोजिशन. सो क्या होगा, सो वेज लाइन पे यहां हाइड्रोजन है, यहां क्लोरीन है, तो क्लोरीन आ जाएगा यहां बाय रोटेशन, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहां. ओके, सो नाउ दिस CH3 ऑन सेम साइड एंड दिस टू वेज एंड डैश लाइंस आर ऑन सेम साइड. सो ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड. सो अगर ये हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बिकम्स, अगर हम सिंपल ही लिखेंगे, स्ट्रक्चर बिकम्स CH3 सेम साइड. सो CH3 ऊपर आ जाएगा, ये CH3 नीचे आ जाएगा. अगर हम इसको कंसिडर करते हैं 1, सो NH2 और Cl सेम साइड पे, अगर यहां हम NH2 लिखेंगे, ओके, सो NH2 जहां है उसी साइड पे कौन है, अभी Cl है, एंड हाइड्रोजन आर ऑन सेम साइड. सो इधर एक्स्ट्रा रूल क्या होता है, इफ टू टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, वी हैव टू रोटेट दैट मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट टू टर्मिनल ग्रुप्स बिकम्स ऑन सेम साइड, तभी हम उसका फिशर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं. सो दिस CH3 एंड दिस CH3 नाउ आर ऑन सेम साइड, दिस NH2 एंड Cl आर ऑन सेम साइड, एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑन सेम साइड. इसलिए CH3 ये सेम साइड पे आ गए. ओके, देन NH2 Cl सेम साइड पे आ गए, और हाइड्रोजन भी क्या हो गए, सेम साइड पे आ गए. अगर ये मॉलिक्यूल हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दिखेगा NH2 एंड Cl आर ऑन सेम साइड. सो ये चीजें हमेशा याद रखिए, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऑलवेज ऑब्जर्व अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ वेज एंड डैश लाइन. इफ अ मॉलिक्यूल इज स्टैगर्ड इन फॉर्म और टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, वी हैव टू मेक दैट अ मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड. जब हम ये टर्मिनल ग्रुप सेम साइड पे करेंगे, इस कार्बन को अगर रोटेट करेंगे तो ये दो ग्रुप है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. सो H जो अभी वेज लाइन पे इधर आ जाएगा डॉटेड पे, Cl जो डॉटेड लाइन पे था और डैश लाइन पे था वो आ जाएगा वेज लाइन पे. देन एंड देन ओनली वी कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल इनटू एन फिशर प्रोजेक्शन, एंड फिशर प्रोजेक्शन इज अ टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल. ओके, सो फर्स्ट कन्वर्ट इट एंड देन ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड ऑफ वेज एंड डैश लाइंस. So we get Fischer projection formula. तो चलिए अगला interconversion देखते हैं. So next point है, that is the Fischer projection formula to Newman projection formula and Sors projection formula. So हमने पिछले example में देखा that this CH3 and this CH3, ये Fischer projection formula क्या represent करता है, means this CH3 and this CH3 are on same side. And if this CH3 and this CH3 are on same side, means ये molecule eclipse ही होगा. Okay, then this OH and this hydrogen is on same side, and this hydrogen and this Br is on same side. So these groups are on same side, these groups are on same side, this CH3 and this CH3 are same side. अगर हमको इसको source में conversion करना पड़ेगा, so this is an eclipse, so हम लिखेंगे, okay, then this group ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, okay, so ये तो represent हो गया, that is the eclipse form of source. अगर हम ये groups लेंगे CH3, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा. ओके, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर ऑन दिस साइड, सो ये CH3 पे है OH. ओके, एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑन सेम साइड, सो ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर. ओके, देन ये CH3 आ जाएगा इधर ऊपर, बिकॉज दिस CH3 एंड दिस CH3 ऑन सेम साइड, दिस OH एंड H आर ऑन सेम साइड, एंड देन हाइड्रोजन OH हो गया, तो यहां लिखेंगे हम हाइड्रोजन, एंड ये Br आ जाएगा इधर. सो दिस इज एन इक्लिप्स फॉर्म ऑफ Sors. Sors projection. ओके,
अगर हम इसी मॉलिक्यूल का न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो अभी हमको पता है CH3 ऑन सेम साइड, सो न्यूमन का इक्लिप्स फॉर्म कैसे होता है, दैट इट कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस। और दूसरे ग्रुप्स जो है वो पीछे आएंगे। ओके हम मॉलिक्यूल को कैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो हम मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम दिस साइड। ओके सो ये सामने ऐसे पकड़ते हैं, ये सामने, सो ये CH3 आ जाएगा इधर, इस CH3 इस साइड पे हाइड्रोजन है, सो यहां आ जाएगा हाइड्रोजन एंड यहां आ जाएगा Br। ये नॉर्मली हमने लिख लिया। अभी हमको पता है हाइड्रोजन एंड OH आर ऑन सेम साइड, सो ये हाइड्रोजन और ये OH आ जाएगा सेम साइड पे, एंड दिस Br, इस Br के सामने कौन है, H, सो on this side it becomes H, so CH3 H and Br are on same side, then OH के सामने H के सामने OH है, then Br के सामने H है, and CH3 के सामने यहाँ है CH3, so this one is a Newman। कोई बोलेगा सर सोहर्स टू न्यूमन कर सकते हैं क्या, सो यही आ जाएगा। सो ऑब्जर्व कीजिए मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस साइड, अगर मैं यहां से ये ऑब्जर्व करता हूं, सो CH3 है ये आ जाएगा, Br मेरे इस हैंड पे इस साइड पे, सो Br मैंने लिख लिया, ये हाइड्रोजन इस साइड पे, सो ये लिख लिया। ओके हाइड्रोजन के सामने OH है, सो हाइड्रोजन के सामने OH आ गया, CH3 के सामने CH3 है, सो CH3 के सामने CH3 आ गया, और Br के सामने H है, तो Br के सामने H आ गया। सो वी कैन इजिली कन्वर्ट फिशर टू न्यूमन, फिशर टू सोहर्स, और सोहर्स टू न्यूमन, और न्यूमन टू सोहर्स ऑल्सो। सो दीज आर दी सिंपल ट्रिक्स। हमको हमेशा याद क्या रखना है, अगर फिशर प्रोजेक्शन में ये मॉलिक्यूल है, सो दिस CH3 एंड दिस CH3 आर ऑन सेम साइड, फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ही दिखाता है। ओके सो CH3 आर ऑन सेम साइड, OH H ऑन सेम साइड, एंड दिस Br एंड H आर ऑन सेम साइड, देन एंड देन ओनली वी कैन राइट द मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट प्रोजेक्शन। ओके अगर कोई बोलेगा सर अभी मुझको स्टैगर्ड भी करना है, तो आप किसी भी एक कार्बन को कांस्टेंट रखिए और दूसरे कार्बन को रोटेट कीजिए। इसमें भी ट्रिक है, अगर हम इसका स्टैगर्ड निकालने जाएंगे तो स्टैगर्ड कैसे आएगा देखिए। सो ये पार्ट में कांस्टेंट रखता हूं, सामने वाला CH3 H एंड Br, अगर मैं इसको डिफरेंट एंगल से रोटेट करूंगा अप टू 180 डिग्री, तो हमको स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन आ जाएगा। एक चीज ऑलवेज याद रखिए, ये ट्रिक है, स्टैगर्ड करते वक्त जो ग्रुप सामने है वो अपोजिट आ जाते हैं। सो CH3 के सामने आ जाएगा इधर CH3, Br के सेम साइड पे H था। ओके अगर हम ये रोटेट करेंगे तो Br के सामने कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, और इधर H के सामने कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इन इक्लिप्स फॉर्म जो ग्रुप सामने है अगर उनका हम स्टैगर्ड करेंगे तो वो ग्रुप्स अपोजिट आ जाते हैं। तो CH3 सामने था तो CH3 अपोजिट आ गया, हाइड्रोजन OH सेम साइड पे था, हाइड्रोजन और OH अपोजिट आ गया, H एंड Br सेम साइड पे था, Br एंड H अपोजिट आ गया। ये हो गया इक्लिप्स और ये हो गया स्टैगर्ड, एंड स्टैगर्ड इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर देन इक्लिप्स, बिकॉज इधर स्टेरिक इंट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन स्टैगर्ड में कोई भी स्टेरिक इंट्रैक्शन नहीं होता, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होती, दैट्स वाई स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आर द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन देन गॉच एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ओके ये हो गया न्यूमन प्रोजेक्शन। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन, जो अभी इक्लिप्स है इसका हम स्टैगर्ड कैसे कर सकते हैं। कोई एक कार्बन जो है वो कांस्टेंट रखिए और दूसरा रोटेट कीजिए, तो चलिए हम क्या करते हैं, ये कांस्टेंट रखते हैं और ये वाला Br वाला जो है वो रोटेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो ये CH3, ये H और ये OH, ये हमने कांस्टेंट रखा, तो CH3 ये अगर हम रोटेट करेंगे तो CH3 आ जाएगा नीचे। ओके ये ग्रुप आ जाएगा इधर, ये ग्रुप आ जाएगा इधर। अभी आप ही सोचिए, अगर ये इस ग्रुप को हम रोटेट करते हैं, ओके सो ये H कहा जाएगा, ये H आ जाएगा इधर, और ये Br जो इस साइड पे, ये आ जाएगा इस साइड पे। अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम कीजिए, आप CH3 की जगह Br लाइए, Br की जगह H लाइए, देन H CH3 की जगह लाइए और थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, उसको रोटेट कीजिए, यू गेट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इन दैट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन आपको पता चल जाएगा, ये H इस तरफ आएगा एंड ये Br आ जाएगा इस तरफ। सो दिस इज अ सोहर्स प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, एंड दिस वन इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। और हमेशा याद रखिए, अगर फिशर प्रोजेक्शन दिया है तो CH3 और कोई भी ग्रुप हो, ये ग्रुप्स हमेशा सेम साइड पे रहते हैं।
okay, and these two groups are on the same side and these two groups are on the same side. So these are the tricks involved in interconversion. So chaliye last point dekhte ki 2 minutes mein hum kisi bhi molecule ka interconversion kaise kar sakte. To chaliye aakhri point dekhte. So the last point of our today's video, that is the 2 minute tricks of interconversion. So aap agar dekh sakte hai to maine yahan draw kiya hai, ye molecule hai, that is the 3 dimensional molecule, okay. So to convert it into a Fisher projection, we have to observe that molecule from the side of wedge and dash line or dash side. So ye jo line hai, agar hum yahan se molecule ko observe karte hain, okay, so we easily convert that molecule into Fisher projection formula. Or Fisher projection mein humko always pata hona chahiye terminal groups are on the same side. Agar ye molecule hai, iske terminal groups agar same side pe, to hum easily iska Fisher projection mein conversion kar sakte hai, jo humne pahle bhi dekha hai. ओके, सो CHO एंड CH3 ये टॉप और बॉटम पे आ जाएंगे. ओके, सो CHO एंड CH3 ये टॉप और बॉटम पे आ जाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये OH और H जो वेज लाइन पे, ये सेम साइड पे आ जाएंगे. सो CHO को डायरेक्टली ये कार्बन है, इसको ये OH अटैच है. अगर हम OH इधर लिखेंगे तो H जो है ये OH के सामने है, सो H हम यहां लिखेंगे. ओके, सो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग है वो हम लिख सकते हैं. सो H आ जाएगा इधर और CL आ जाएगा इधर. सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल बाय वीविंग दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ वेज एंड डैश लाइन. ओके, अगर हमको इसको सहर्स बनाना है, सो सहर्स में टॉप व्यू फ्रॉम द बॉन्ड कॉर्नर, हमको टॉप से ये मॉलिक्यूल व्यू करना पड़ता है फ्रॉम द साइड ऑफ दिस बॉन्ड. ओके, सो CHO और CH3 ये सामने आ जाएंगे. सो इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन हम इजीली लिख सकते हैं. ओके, ये OH और ये H सामने आ जाएंगे और ये CL और ये H भी सामने आ जाएंगे. अगर हमको इसका न्यूमन प्रोजेक्शन करना है तो हमको ये मॉलिक्यूल इस साइड से, ये कार्बन जो है इसके साइड से ये हमको व्यू करना पड़ेगा. अगर इस कार्बन के साइड से हम ये व्यू करते हैं तो ये जो कार्बन है ये पीछे चला जाएगा, ये सामने आ जाएगा, दैट इज द इक्लिप्स फॉर्म. सो CHO के सामने आ जाएगा CH3, OH के सामने आ जाएगा H एंड H के सामने आ जाएगा CL. अगर हम इसका न्यूमन निकालते हैं, सो CHO आ जाएगा इधर, ये OH जो है ये ऑब्जर्वर के सामने है. अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व करता हूं तो OH आ जाएगा इस हैंड पे, सो OH आ जाएगा यहां. ओके, सो ऑटोमेटिकली H आ जाएगा इधर. CHO के सामने CH3 आ जाएगा, सो इट इज इक्लिप्स टू CH3. देन OH के सामने आ जाएगा H और H के सामने आ जाएगा CL. सो वी कैन इजीली राइट द मॉलिक्यूल्स और इजीली कन्वर्ट वन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू एन अनदर प्रोजेक्शन बाय यूजिंग दीज थ्री सिंपल ट्रिक्स. सो क्या ट्रिक्स है? इन अ फिशर प्रोजेक्शन वी हैव टू व्यू द मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ वेज एंड डैश लाइन. यहां से व्यू कीजिए. अगर हमको सॉल्वर्स बनाना है तो टॉप व्यू कीजिए, और अगर हमको न्यूमन बनाना है सो वी हैव टू व्यू द मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइड ऑफ द कार्बन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरकन्वर्जन. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू.